तो हेलो फ्रेंड्स, अभी क्या है कि एसएससी जीडी में आपका फॉर्म नहीं भरा रहा है, किसी का क्या हो रहा है, तो डरने की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी डेट एक्सटेंड हो सकती है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे क्या हो सकती है वो डेट एक्सटेंड। उसका मैंने रात भर से एनालिसिस करा है कि कैसे क्या है। तो फ्रेंड्स, अभी तक क्या होगा कि डेट एक्सटेंड होने का एक रीज़न भी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। और इस एनालिसिस के चक्कर में मेरे आँख देखो, अभी भी मुझे नींद भी नहीं लगी है सही कह रहा हूँ, रात भर से जग रहा हूँ, अभी धूप में आकर बैठा हूँ तो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं रात भर से एनालिसिस कर रहा हूँ। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या करा रात भर से ऑब्जर्व कि अभी तक एसएससी के जितने भी एग्जाम है, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जो भी एग्जाम है एसएससी के अभी तक, तो सब में क्या है कि डेट एक्सटेंड मतलब होती है, एक बार, दो बार, तीन बार, इतनी बार होती है। अभी तक इसकी एक बार ही एक्सटेंड हुई। और फ्रेंड्स, मैं एक बात बताऊँ आपको, तो अभी क्या है कि जो पोस्ट बढ़ी है तो उस 4-5 दिन ही हुए पोस्ट बढ़े, अब 4-5 दिन हुए तो इतनी जल्दी डेट मतलब इतने ज़्यादा फॉर्म तो भरा ही नहीं, तो एसएससी क्या करेगा कि डेट एक्सटेंड जरूर करेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपसे भी फॉर्म भरा रहा है तो कोशिश तो करिए, ऐसा नहीं कि मत करिए कोशिश, पर कोशिश करते रहिए। और फॉर्म का मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म भराएगा तो क्या है कि अभी फॉर्म की डेट बढ़ सकती है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तक एसएससी जीडी जितने भी एग्ज़ाम हुए उनमें डेट एक्सटेंड हुई है, और यहाँ पर पोस्ट बढ़ी है 20,000, तो डेट एक्सटेंड ज़रूर होगी। तो फ्रेंड्स, आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सब्र करिए, क्योंकि शाम तक अगर कोई भी इसका नोटिफिकेशन आएगा तो मैं इस पर पर्टिकुलर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ऐसी अपडेट के लिए, और मैं धड़ाक से दूसरी वीडियो बना दूँगा।